I'm
Ageo, as you know, is a unique brand which has just launched, and it has something for everybody and not everything for everybody. So, and it represents freedom, courage, the modern woman of today, how she carries herself in every situation, in every circumstance. It's a clothing line which has clothes for every occasion, so everybody can relate to it. And the concept is about being yourself, expressing yourself in today's world. पहले तो मुझे बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं कभी भी रैंप पे चली नहीं और मैंने अक्सर फनी वीडियोस देखी थी, मॉडल गिर जाती हैं ये वो, तो मेरे को आज सुबह से सारे पाप याद आ रहे थे, मैं किन पिन पे हंसी थी, लेकिन आज इतना अच्छा लगा और मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी सर कि डाउट इज़ आउट। वाकई पहली बार किसी ने मोटी लड़की चलवाई होगी रैंप पे, तो वाकई आपने डाउट आउट कर दिया। थैंक यू सो मच। और अजियो बहुत अच्छा एक ब्रांड है, मैंने कल ही आपकी वेबसाइट देखी है सर जो लॉन्च हुई है, बहुत अच्छे कपड़े हैं कॉटन के, बहुत अच्छे, और मेरे साइज़ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मैं इसलिए खुश हूँ, बहुत अच्छे साइज है। थैंक यू। आई थिंक सो लैक्मी फैशन वीक या इंडिया में कोई भी फैशन वीक में ट्रांसजेंडर या हिजड़ा पर्सन पहली बार चला होगा, तो आई एम रियली प्राउड। और अजियो ने जैसे डाउट इज़ आउट, सो फैशन इज़ नॉट फॉर एनी जेंडर,
फैशन इज़ बियॉन्ड जेंडर, जैसे हम कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज, और अजियो ये ब्रांड ने प्रूव किया है. मैं मैक्सिमम साड़ी ही पहनती हूँ और साड़ियाँ तो एक से एक एथनिक हैं, मतलब सारे फैशन चले जाएंगे पर साड़ी का एथनिसिटी और फैशन कहते ना, 6 मीटर की साड़ी में औरत पूरी ढकी हुई भी लग सकती है और पूरी सेंशुअल भी लग सकती है. और सबसे बड़ी बात है भारती जी थी, सुमन जी थी, और मेरे ड्रीम कम ट्रू. मैं हेलन जी को आई स्टिल रिमेंबर बिग बॉस या 10 कदम में, मैं जब भी गई तो मैं सलमान जी को हमेशा कहे कि भाई मुझे सिर्फ ना हेलन आंटी से मिलना है. आई वुड नेवर न्यू आई वुड बी शेयरिंग अ स्टेज विथ हर. एंड आई थैंक अजियो ऑल्सो बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आई बिलीव एनी कॉर्पोरेट सेक्टर इन द फैशन इंडस्ट्री, या फैशन इंडस्ट्री में बोलने के लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं पर किसी ने कर दिखाया तो इट वॉज़ अजियो. कि मेन स्ट्रीमिंग आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है, फैशन में भी मेन स्ट्रीमिंग ये होता है, डाउट इज़ आउट. हमें तो ज़िंदगी में कभी डाउट नहीं था कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं भाई, पर अभी फैशन इंडस्ट्री का भी डाउट इज़ आउट विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी वॉट दे हैव गिवन टू मी एंड ऑन विथ मी टू माई एंटायर कम्युनिटी. आई रियली थैंक अजियो, थैंक सो मच. आप लोग ने जो भी मुझे बोलना था आप लोग सब ने बोल दिया. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, इट इज एक्चुअली एन ऑनर टू मी फॉर मी टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू, लक्ष्मी जी एंड भारती एंड आप भी. फॉर मी इट इज समथिंग डिफरेंट. आई वॉक द रैंप बिफोर मेनी 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 इयर्स अगो, बट एट दिस एज in my twilight years to be able to come here and do this with the youngsters, I should say, it has been a wonderful experience. And I really don't know what I did when I went on the ramp. Oh, you rocked it. I just was myself and I forgot everything. And I thank you, sir, for honoring me, and they have really looked after me so beautifully, all the care and love with all these wonderful staff of yours. Thank you so much. Thank you. Thank you. And I'm so happy that I've got my size now. Let's shake.